हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएल पब्लिक स्कूल। एंड टुडे डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग थ्री डिजिट नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में, टू डिजिट से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम थ्री डिजिट से जो नंबर होंगे उन्हें हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज हम आज के वीडियो में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे दो पार्ट बोर्ड पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हम थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन में हम दो चीजें देखेंगे। फर्स्ट रीग्रुपिंग विथ आउट रीग्रुपिंग एंड फर्स्ट सब्ट्रैक्शन विथ आउट रीग्रुपिंग एंड सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग। बिना हम रीग्रुप के भी करेंगे और रीग्रुप के साथ भी करेंगे। आइए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इन दोनों हम जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे फेस करते हैं। सपोज दैट सब्ट्रैक्शन विथ आउट रीग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे फेस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हम थोड़ा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पहले उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले हम नंबर को शो करेंगे। यू नो वंस टेन्स एंड हंड्रेड, ये हमारा थ्री डिजिट नंबर को बिलोंग करता है। ये थ्री डिजिट नंबर प्लेस है, ये हंड्रेड थाउजेंड एंड वंस। हम थ्री डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये देखते हैं। 125 माइनस वन, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 114। बहुत इजी है, क्योंकि ये क्या है, विथ आउट रीग्रुपिंग है, इसलिए आपको ये आता भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बिना विद आउट रीग्रुपिंग के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 माइनस 4 यू नो 1 राइट डाउन इन योर वन स्पेस। एंड सेकेंडली 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आल्सो राइट डाउन इन योर 10 स्पेस। एंड लास्ट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 राइट डाउन इन योर 100 स्पेस। योर फर्स्ट नंबर इज 125 सब्ट्रैक्ट बाई 114 एंड वी गेट द प्रोडक्ट इज 11 only. 11 इज योर प्रोडक्ट एंड फर्स्ट नंबर इज 125 एंड सेकेंड इज 114। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं विथ आउट रीग्रुपिंग, तो हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमें नंबर को अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें उसे राइट करना है। वंस टेन्स हंड्रेड सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग उस नंबर को हम उस प्लेस पे फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नंबर 125 माइनस 114, 125 से 114 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा, यानी हमारा जो 11 प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या है, आंसर। ये हमारा विथ आउट रीग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी देखते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड 100 थाउजेंड आर टेन्स एंड वंस, ओके वंस टेन्स एंड हंड्रेड। अब नंबर को यहां पे शो करते हैं 728, द फर्स्ट नंबर इज 728 एंड माइनस 315 माइनस 315। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। द फर्स्ट नंबर राइट डाउन इन जस्ट बिलो वन प्लेस, सेकेंड इज जस्ट बिलो टेन्थ प्लेस, थर्ड इज जस्ट बिलो हंड्रेड प्लेस। एंड डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, वी हैव टू स्टडी बाई द थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन, नॉट टू डिजिट एंड फोर डिजिट, ओनली थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन
we have to discuss about in this class only 3-digit subtraction. So first number is 728 and second is 350. First of all, we have to subtract 1's place number. 8 minus 5 is equal to 3. 3 write down in your 1's place, because we have to subtract 8 minus 5 and both number is 1's place number. Secondly, your 10's place number is 2 minus 1 is equal to 1, and 100's place number is 7 minus 3, we get the 14, a 4. And now the product is 430. 430 is your answer. Dear students, first and second question are very easy, and similarly, the first question is 125 minus 140. And we get the product is 11, because 5 minus 4 is equal to 1, 2 minus 1 is equal to also 1, and 1 minus 1 is equal to 0. And second is 728 minus 315. Minus, dear student, 728 minus 315, 8 minus 5 is equal to 3, and 2 minus 1 is equal to 1, 7 minus 3 is equal to 14. And we get the product is 430. 430 is your answer. One more question, dear student. That is question number 3. 100, 10s and 1s. This is your place value chart. And your number is 925 minus 718. Not 18, 714. Minus. Your number is, your question number 3 is 925 minus 714. First of all, we have to subtract both number 5 minus 2. We get the product is 1. Is that clear? And second, 2 minus 1 is equal to also 1. And 9 minus 7 is equal to 2. And we get the product is 211. Understand? And dear students, subtraction without regrouping se related, one more question pe lenge, that is question number 4. 100, 10s and 1s. कभी भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट को हम अगर काउंट करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 1s, 10s एंड 100. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 585 माइनस 343. First of all, we have to subtract here, student. 5 minus 3 is equal to 2. Okay? 8 minus 4 is equal to 4, and 5 minus 3 is equal to 2. Now, your answer is 242. I hope, is it clear to everyone? And now, dear student, we are going to discuss about the subtraction with regrouping. ये हमारा without regrouping सा, अब हम देखते हैं regrouping से related subtraction को हम 3-digit number subtraction को कैसे solve करते हैं. So once again, the question number first, very easy. First of all, we have to write down place value chart. Okay? 1s, 10s and 100. And your question number is, the first number is, your first number is 735. Okay? 735 minus 284. Minus 284. यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है. हम क्या करें, क्या ये तो बहुत इजी है. वन स्पेस को विदाउट रिग्रुपिंग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. अंडरस्टैंड? और यहां पे हम इसको 13 कर देंगे, बिकॉज 3 इज लेस देन 8. 13 हो गया. यहां पे बोरो करेंगे 13, ये हमारा 6 हो गया. ये इसको बोरो किया है, 13 हो गया. यहां पे 7 से 6 हो गया. न्यू नंबर इज 13 एंड न्यू नंबर इज 6. सो 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5. Okay, and 6 minus 2 is equal to 4. Now we get the product is 400.
51. क्या किया गया? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 735 माइनस 284. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 735 एंड जस्ट नियर 284. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम. दिस सब्ट्रैक्शन बिलोंग टू विदाउट री ग्रुपिंग. द सेकेंड इज 3 माइनस 8. 3 इज लेस देन 8, सो वी हैव टू बोरो. एंड 30, न्यू नंबर इज 13, एंड दिस नंबर वी हैव टू कन्वर्ट 6. And 13 minus 8 is equal to 5, and 6 minus 2 is equal to 4, and we get the product is 451. And dear students, one more question, that is question number 2 related to with regrouping questions. 100, 10s and 1s. Your question is 842 subtract by 328. Mind this, your question number 2, 842 minus 328. First of all, dear student, यहाँ इसको हम बोरो करेंगे तो कि हमारा 2 जो है क्या है, इससे कम है, तो यहाँ पे 12 हो गया, and new number is 13. 4 से 1 less हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया. चलिए, 12 minus 8 is equal to 4, 3 minus 2 is equal to 1, and 8 minus 3 is equal to 5. I hope, is it clear to everyone? The first and second question are similarly, these questions are belong to regrouping. With regroupings, subtraction, and question number first and second are very easy. You can solve itself. Don't worry. Question number 3. वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन में डाउट होगी वो बिल्कुल हम क्लियर करेंगे. 100, 10s एंड 1s. डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज 725 माइनस 628. ओके, 628. यानी कि यहाँ पे इसको बोरो करेंगे, 15 हो गया, यहाँ पे 1 बचा है, 11 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसको बोरो करेगा और ये हमारा 6 हो गया. क्लियर है? 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड प्रोडक्ट इज 95 ओनली. एंड डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन. Okay, 100, 10s and 1s. Your question number first is, question number first, second and third are similarly, same question hai. Question number fourth and last, 305 subtract by 198. Okay, 198. सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ये इससे बोरो करेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 15, और यहाँ पे बचा है 9, यहाँ पे बचा है 2. 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. नाउ योर प्रोडक्ट इज 107. डियर स्टूडेंट, आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन विदाउट ग्रुपिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया, एंड सब्ट्रैक्शन विद ग्रुपिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. डियर स्टूडेंट, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है और स्टेप बाय स्टेप हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में, आपके एक्सरसाइज बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे नेक्स्ट क्लास में उस पर जरूर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.